मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। सूट बूट में खड़ा यह शख्स बड़ा ही शातिर निकला। आरोप है कि इसने पहले एक बिजनेसमैन की बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ रेप किया और अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उससे करोड़ों रुपये वसूल लिए। आरोपी का नाम नीतीश बताया जा रहा है। आरोपी 2 साल से लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कल पीड़िता ने थाना जावरा शहर पर आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन के आधार पर उसने बताया था कि उसके एक मित्र द्वारा धोखाधड़ी करके वो यहाँ पे आया, कुछ नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसने खोटा काम किया और उस समय जावरा में ही उसने उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ ले लिए। उन फ़ोटोज़ के आधार पर उसने अभी तक उससे 2019 से अभी तक काफ़ी कुछ पैसे, ज्वेलरी और काफ़ी कुछ ऐंठ चुका है उन फ़ोटोज़ के आधार पर ब्लैकमेल कर करके, जिसमें उसने करीब 3 किलो 500 ग्राम सोना, 15 किलो चांदी और युवती के बयान के आधार पर करीब 1,35,00,000 रुपए उससे ऐंठ चुका है। मतलब ये जो आरोपी, इनमें किन धाराओं में जावरा शहर थाने मामला दर्ज किया? धारा 450, 376 2N, 385 और 506 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये युवक की मैडम युवती से कहाँ जान पहचान है? इसकी पहचान के दोस्तों के माध्यम से इंदौर में ही जान पहचान हुई थी। लड़की इंदौर में पढ़ाई करती थी। युवक मैडम कहाँ का रहने वाला? ये लड़का बड़ावदा का रहने वाला। इसमें जो इसको लड़की को पता था क्या कि मतलब शादीशुदा है या? पहले इनकी दोस्ती हुई थी जब इसे पता नहीं था, बाद में इसको पता चला कि शादीशुदा है। अभी पुलिस प्रशासन द्वारा प्राथमिकता क्या कर रहे हैं? अभी दबिश टीम गठित की गई है, दबिश दी गई, जल्दी जल्दी आरोपी को राउंड अप कर लिया जाएगा। दरअसल 25 साल की पीड़िता इंदौर MBA की पढ़ाई करने गई थी। वहां पर उसकी दोस्ती नीतीश उर्फ मयूर नाम के युवक से हुई। पीड़िता का आरोप है कि मार्च 2019 में आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया, फिर बेहोशी की हालत में उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने लगा। बदनामी के डर से लड़की ने यह बात किसी को नहीं बताई। चोरी चोरी घर की तिजोरी में रखे रुपए और पुश्तैनी गहने भी उसे देती रही। घर वालों ने जब तिजोरी देखी तो इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। जब पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तब जाकर इस मामले का पर्दाफाश हुआ। इसमें एक मामला पंजीबद्ध हुआ है जिसमें एक पीड़िता है जो 25 साल की है। इनका कहना है कि 2 वर्ष पूर्व ये MBA की पढ़ाई करने गई थी तो वहाँ इनकी दोस्ती एक जावरा के ही व्यक्ति से हुई थी, जिसने अपने आप को ये बताया था कि वो अभी अनमैरिड है और उसके बाद फिर इनकी दोस्ती हुई और उसमें जावरा में और इंदौर में इनका कहना है कि इन्होंने इनका इनकी जो भी अफेयर था, मिला जुलना था, उस दौरान इनके फ़ोटो खींच लिए, अश्लील फ़ोटो खींच लिए और उसके बाद फिर ये ब्लैकमेलिंग करते थे और इन्होंने इनके साथ इनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर रेप भी किया और उसके फ़ोटो के बेसिस पर इनसे बहुत सारे पैसे ले लिए, इसकी जानकारी, कुछ ज्वेलरी ले ली। जब इसकी जानकारी इनके परिजनों ने निकाली तो क्योंकि उनके बहुत सारे ऑर्नामेंट उनकी तिजोरी से गायब थे, तब ये परिजनों को पता चला बात। फिर उसके बाद इन लोगों ने जब उनसे पूछताछ की तो उनका कहना है कि वो मुझे हिप्नोटाइज कर लिया था और फिर वो मेरे से पैसे मांगता रहा, ज्वेलरी मांगता रहा, मैं उसको देती रही। इस तरह के तथ्य आए हैं। इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया 376, 385 और IPC की अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया व्यक्ति के खिलाफ और जो अभी तक जो एविडेंस प्रस्तुत किया है इन लोगों ने, उसमें इनके खाते में कुछ ट्रांजैक्शन है, 10-12 लाख रुपए कैश है जो आरोपी के खाते में लड़की ने ट्रांसफ़र किए हैं। इसके अलावा कुछ ज्वेलरी जो आदि चीज़ें ट्रांसफ़र हुई उसको लेकर इनकी व्हाट्सएप पे चैट हुई है। व्हाट्सएप पे वो स्वीकार किया है कि हाँ, इसमें कुछ पैसे और ज्वेलरी आदि चीज़ें आई हैं। तो इसमें पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी हालांकि अभी फरार है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है, तो जो भी तथ्य आएगा आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरोपी अकेला था कि दोस्त वगैरह ब्लैकमेल कर रहे थे ऐसी बात? अभी तक तो पीड़िता ने एक व्यक्ति के नाम लिखाया है जिसमें 376, एक्चुअली इसमें इनिशियली पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है 376 की धारा को लेकर कॉग्निजेंस लिया है, उसमें तो एक ही व्यक्ति का बता रही है, लेकिन हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी इसमें कि वो जो ब्लैकमेलिंग करना या फिर इनसे एक्सटॉर्शन करना है उसमें और लोग भी पीड़ित हो सकते हैं, आरोपी हो सकते हैं, उसमें विवेचना के दौरान ही क्लियर हो पाएगा। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसी हरकत कर चुका है। वो शादीशुदा है और उसका एक 3 साल का बच्चा भी है। वो पहले क्रिकेट का सट्टा करता था जिसमें उसने लाखों रुपए गवा दिए। उसने बड़ावदा, नागदा, रतलाम के कई लोगों से लाखों रुपए उधार लिए थे। कई लोगों के पैसे उसने वापस नहीं लौटाए हैं। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट MP तक।